स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ फॉर्मुलेटर। और आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है मॉड्यूल फर्स्ट का इंफॉर्मेशन डिजाइन एंड राइटिंग फॉर प्रिंट एंड फॉर ऑनलाइन मीडिया। मैंने इसी को यहाँ पर शॉर्ट करके लिख दिया है, प्रिंट वर्सेस ऑनलाइन मीडिया, या फिर प्रिंट वर्सेस ऑनलाइन, हाँ, प्रिंट वर्सेस ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन। इनफैक्ट अगर जो कि यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है टॉपिक कि राइटिंग फॉर प्रिंट एंड फॉर ऑनलाइन मीडिया, ये दोनों सेम ही है। आप जो स्ट्रैटेजी जो आप प्रिंटिंग के लिए करते हैं वही स्ट्रैटेजी आपको ऑनलाइन के लिए भी करना है, बस थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है। वही चीज अभी हम इसको यहाँ पर डिफरेंसेस के बेसिस पे देखने जा रहे हैं, बाकी तो सारा स्ट्रैटेजी सेम ही है। जो आपका पहले इसमें आ चुका है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज एनी डॉक्यूमेंट, तो वो इसमें भी आपको अप्लाई करना है। तो इस चीज को हम लोग समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज प्रिंट डिजाइन। पहले तो एक थोड़ा सा डेफिनेशन के थ्रू ही, बाकी तो मेन पोर्शन यहां से हम लोग समझेंगे। इट कंसिस्ट्स ऑफ डिजाइन That are meant to be printed. क्यों? क्योंकि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, जो कुछ भी तैयार कर रहे हैं, आपको पता है कि ये प्रिंट के लिए जाने वाला है, तो उसी हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये हुआ कि बड़ा कलरफुल देना, बहुत लुकिंग हाई देना, ये ऑनलाइन में अच्छा लगता है लेकिन प्रिंट में निकलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन अगर प्रिंटिंग बहुत बेहतरीन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तब तो फिर वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बस बात यह है कि जो प्रिंट पे निकलता वही प्रिंटिंग डिजाइन है। This can be in labels, business cards, brochures, etc. कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो ब्रोशर देखते हैं या फिर जो आप बिजनेस कार्ड देखते हैं, ये सब क्या है? प्रिंटिंग है। इनफैक्ट जो मेरे पास सिलेबस है आप लोगों का, ये भी क्या है? प्रिंटिंग ही है ये सारा का सारा चीज। ऑल दो यू गेट इट एट योर, हाँ, दिस इज एट, ये एट है, आप लोग इसको ऑल नहीं समझ, एट। सो क्या मैंने लिखा कि ऑल दो यू गेट इट एट योर हैंड बट डिजाइंड ओवर द कंप्यूटर। माना मैंने कि जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिजाइन हो रहा है, जो प्रिंट फॉर्म में आपके पास आ रहा है, तो प्रिंट फॉर्म में तो आपके पास हाथ में बाद में आ रहा है, लेकिन सबसे पहले ये कंप्यूटर पे ही डिजाइन हुआ है, क्योंकि अब वो पुराना वाला समय नहीं रहा, इसलिए अब आपको कंप्यूटर लिटरेसी तो आपको रखना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। मैं बार बार इस बात को, पूरे इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन मैंने कहा है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आपको खुद से रिज्यूमे बनाना आना चाहिए, और खुद से पेन से लिख करके आप नहीं देने वाले हैं, आपको कंप्यूटर पे बनाना आना चाहिए। तो कंप्यूटर का उतना हिस्सा आप लोग सीख लीजिए जितना की जरूरत है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइन इज अबाउट द एलिमेंट्स दैट गो इनटू क्रिएटिंग एन आउटस्टैंडिंग वेबसाइट। कि जबरदस्त, जो हम लोग जैसे टाइप करते हैं गूगल पे और निकलता है वेब पेज, उसका दिखने में बड़ा स्मार्ट लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद उसी स्मार्टनेस के कारण उसको पढ़ना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, और फिर पूरा का पूरा ये होता है डॉक्यूमेंटेशन। ये चीज हमको समझना पड़ता है, अगर ऑनलाइन अगर क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसा क्रिएट करें जस्ट आई कैचिंग फ्रॉम द इंस्टेंट स्टार्टिंग, कि स्टार्टिंग से ही इतना आई कैचिंग बना दें वो मजबूर हो जाए उसको पढ़ने पर। इट इज अबाउट ग्राफिक्स एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे अगर आप देखिएगा, वेब डिजाइनिंग में तो सिर्फ लिखना ही नहीं, इसमें ग्राफिक्स भी ऐड किया जाता है, एक्सेसिबिलिटी भी चलता है। एक्सेसिबिलिटी कहने का मतलब ये कि आसानी से लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो और भी बहुत कुछ देखा जाता है, सिर्फ इतना ही नहीं है। इट इज अ डिजिटल डिजाइन एंड हेंस इट कैन बी सीन ओवर द कंप्यूटर, फोन, टैबलेट्स एटसेट्रा। क्योंकि ये सब डिजिटल डिजाइनिंग है, ये सब वेब डिजाइनिंग है। मैंने यहाँ पर ऑनलाइन लिखा है ना, तो इस वेब को आप लोग ऑनलाइन ही रिलेट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ और है ये, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब क्या होता है, मतलब कि जैसे वेब का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन ही होता है। ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ, वेब ही हुआ, वो वेबसाइट बन रहा है, चूंकि वो डिजिटली जा रहा है, ये दोनों एक ही है, अलग नहीं है। हाँ, तो क्या मैं बोल रहा था कि आप जो कुछ भी वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं वो आप उसको कहाँ देख रहे हैं? अब आप कंप्यूटर पे देखिएगा, स्मार्टफोन्स पे देखिएगा, टैबलेट्स पे देखिएगा, ये होता ऑनलाइन, तो ये तो खैर आपको पहले से भी पता है, और यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया। बट व्हाट इज द इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग एंड राइटिंग स्ट्रैटेजी। राइटिंग डिजाइनिंग सब में सेम चलेगा, चाहे वो प्रिंट रहे चाहे ऑनलाइन रहे, थोड़ा थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा वो इसके थ्रू हम आपको समझा देते हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे दे, प्रिंटिंग में या फिर ऑनलाइन में, तो दोनों में ही सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना है जो थोड़ा थोड़ा सा का वही सब हम यहाँ पर अब देखने जा रहे हैं। तो देखिए वो फर्क क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन प्रिंट एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन। पहला, द यूजर्स अप्रोच एंड परसेप्शन। आपको समझना पड़ेगा कि आप जो लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं। क्या ये एग्रीकल्चर के बारे में लिखा हुआ ज्ञान है? क्या ये इंफॉर्मेशन खेती से रिलेटेड है? तो बेचारे किसान को टैबलेट में मत आने दीजिए, उनको कंप्यूटर में मत आने दीजिए, उनके लिए आप प्रिंट में ही रहने दीजिए, और प्रिंट ही सबको बांटिए इजी लैंग्वेज हिंदी में, चाहे जो भी रहे, क्योंकि वो लोग बेचारे उतना अभी एक्सेस ही करना नहीं जानते, तो कहां से होगा। सो ये डिपेंड करता है कि यूजर कौन है, यूजर का अप्रोच कैसा है। यूजर अप्रोच क्या हम लोग की तरह स्मार्ट है कि जो सब कुछ चला सकता है,
नहीं है तो उसी के अकॉर्डिंग से, उसी के परसेप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे इसको प्रिंट में रहने दें किसको ऑनलाइन में रहने दें, ये होता है। सेकंड क्या है, यूजेबिलिटी एंड नेविगेशन। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि जो मैंने डॉक्यूमेंट डिजाइन किया है, हाँ एग्जाम्पल हम लेते हैं कोचिंग का इंस्टीट्यूट का, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब कभी भी हम लोग जाते हैं तो बताया जाता है कि हमारे ये सारे कोर्सेज होते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, ये की फीचर्स है, इतना फी लगता है, तो देखते हैं ना ब्रोशर देता है ना, वो ब्रोशर हम लोग लेकर घर चले आते हैं। तो ये देखना पड़ता है कि जो हम डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहे हैं उसकी यूजेबिलिटी क्या है। यूजेबिलिटी कहने का मतलब ये कि क्या इसको ऑनलाइन लोग एक्सेस करके देख लेंगे, समझ लेंगे, तब तो फिर इसको ऑनलाइन रखेंगे। लेकिन क्या ये ऑफलाइन मतलब प्रिंटिंग वे में देना ज्यादा अच्छा रहेगा और लोग इसको ज्यादा यूज कर पाएंगे और जब चाहेंगे तब कर पाएंगे, तो वो चीज देखना पड़ता है। अब जैसे एक ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट हाथ में रखने की जरूरत नहीं है, बैग में रखने की, जो फोन है उतना ही काफी, आप कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं, कहीं भी रहिए, ओपन कीजिए, हो गया। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव देखा जाता है, एक तो रीडर का पर्सपेक्टिव और दूसरा उसी का यूजेबिलिटी एंड नेविगेशन, मतलब ये कि उस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनैलिटी क्या है। इसको प्रिंट वे में निकाला जाए तो ज्यादा इसका यूज होगा या फिर इसको ऑनलाइन ही रखा जाए तो ज्यादा यूज होगा, तो ये भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, लेआउट अरेंजमेंट डिजाइनिंग। अब चाहे ये प्रिंटिंग की बात हो या फिर ये ऑनलाइन पर वेब डिजाइनिंग की बात हो, हर दोनों में लेआउट होता है, ये देखना पड़ेगा आपको। अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, अरेंजमेंट कहने का मतलब ये कि अगर आप प्रिंट निकाल रहे हैं तब तो उसमें आपको अरेंजमेंट देखना ही है कि पहले क्या लिखना, फिर क्या लिखना, फिर क्या लिखना है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी लिख रहे हैं तो उसमें भी आपको अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि डिजाइनिंग में फर्क आ जाता है, एक प्रिंटिंग वाला डिजाइनिंग, एक ऑनलाइन वाला डिजाइनिंग में फर्क आ जाता है। तो जब ऑनलाइन का जब डिजाइनिंग चलता है तो उसी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग उसका अरेंजमेंट भी होता है या फिर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही डिजाइनिंग होता है। ये बहुत हद तक हम यहाँ पर बोल कर नहीं समझा पाएंगे, क्यों, बिकॉज दिस इज कंप्यूटर वर्क और यहाँ पर ना सॉफ्टवेयर का काम चलता है, लुकिंग का काम चलता है, स्टाइल देखने से समझ में आता है, इसे यहाँ पर पहले ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर ऐसे लिखे, तो ये वो चीज होता है। इंफॉर्मेशन लिमिटेशन, हाँ ये बात है, ऑनलाइन आप कितना लिख करके दे रहे हैं ये जरा समझिए, क्योंकि विकिपीडिया नहीं है कि आप लिख कर दे दिए हैं, लोग लंबा पढ़े जा रहा, पढ़े जा रहा, पढ़े जा रहा, आप देखिए कि आपने जो लिखा है वो किस टारगेट ऑडियंस के लिए है, उसका लिमिटेशन हम क्या रखें। हम अगर हम प्रिंट में रखेंगे तो ज्यादा लेंथीनेस नहीं करना है, प्रिंट में अगर हम शॉर्ट रख रहे हैं तो फिर हम वेबसाइट पर जाकर हम लॉन्ग कर देंगे हम, या फिर वेबसाइट पे ही अगर हम शॉर्ट रख रहे हैं तो नीचे हम एक आइकन वहां पे जोड़ देंगे, टू नो मोर प्लीज क्लिक हियर। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन का लिमिटेशन हम कहाँ दें और कैसे दें। प्रिंट में अगर हम कर रहे हैं तो कितना इन्फॉर्मेशन दें, ऑनलाइन में कर रहे हैं तो कितना इन्फॉर्मेशन दें। अगर मान लेते हैं मेरा इन्फॉर्मेशन 10-10, 20-20 पेज का है तो आप प्रिंट एक ही दो पेज का बनाइए और उनको डायरेक्ट आप किस पे भेज दीजिए, ऑनलाइन पे आप उसको भेज दीजिए। और जब वो लड़का जब ऑनलाइन पर गया चेक करने के लिए उस चीज को, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बस इंट्रो रखिए, बाकी नो मोड के लिए फिर वहां, बाकी ज्यादा के लिए नो मोड आप एक आइकन बनवा दीजिए, वहां पर वो क्लिक करेगा। तो ऐसे कुछ स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ता है। फिर इसके बाद ऑनलाइन में, हाँ प्रिंट में तो है कि कोई भी टाइप्स नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में जेपीजी होता है, जेपीईजी होता है, पीडीएफ होता है, जीआईएफ होता है, बहुत सारा होता है जो मुझे भी इनफैक्ट नहीं पता है, ये आप लोगों को बेहतरीन पता, नहीं पता तो पता कीजिए आप लोग ये चीज। तो यहाँ फाइल टाइप्स होता है कि इस चीज को बच्चा उसको पीडीएफ में भी पढ़ सकता है, उसको फोटो में भी पढ़ सकता है, बट प्रिंटिंग में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप ऑनलाइन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसका, उसी का पीडीएफ में भी तैयार रखिए, उसी का वर्ड में भी तैयार रखिए, उसी का फोटो में भी तैयार रखिए, यानी कि जेपीजी में तैयार रखिए। तो हर तरह से आप चाहिए तो आप उसको कर सकते हैं, ये ज़्यादा यूजेबिलिटी को बढ़ाता है, यूजेबिलिटी को बढ़ाता है ये चीज़। फिर उसके बाद एक लास्ट में एक आता है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और भी कुछ हो सकते हैं फैक्टर्स, लेकिन एक सॉफ्टवेयर जरूर है। अगर उस स्टूडेंट को या फिर उस एम्प्लॉय को अगर सॉफ्टवेयर का अच्छा नॉलेज है, कंप्यूटर पर बेहतरीन कमांड है, तो फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन और अच्छा हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डिफरेंसेज बिटवीन प्रिंट एंड ऑनलाइन। सो मॉड्यूल फर्स्ट में आपको जितना भी बताया गया है, मॉड्यूल फर्स्ट में सारे के सारा चीज मैंने लगभग ये तमाम खत्म कर दिया, मैंने समझा दिया है। हाँ कुछ ऐसा जरूर है जो मॉड्यूल फर्स्ट का होते हुए भी मॉड्यूल टू में आया है, और वो यूजेबिलिटी है, ह्यूमन फैक्टर्स है, जो मॉड्यूल टू में है। ये चीज सिंगल सोर्सिंग है, लोकलाइजेशन है, हो सकता है ये मॉड्यूल टू में भी हो, लेकिन ये चीजें दरअसल ये इंटर रिलेटेड है, तो मैं इसे यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ, आप लोग इस बात को समझिएगा, ये मॉड्यूल टू का है इसलिए मैं मॉड्यूल टू में ही समझाऊंगा। और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि
ये चीज मॉड्यूल फर्स्ट में नहीं पूछ सकता, मॉड्यूल फर्स्ट में भी पूछ सकता है। कौन कौन सा चीज? यूजेबिलिटी, ह्यूमन फैक्टर्स या फिर सिंगल सोर्सिंग, लोकलाइजेशन, मॉड्यूल फर्स्ट में भी पूछ सकता है ये चीज। तो आपको, आप इसको ऐसे मत देखिएगा, आप ये दोनों लगभग सेम ही समझिएगा। तो मॉड्यूल फर्स्ट में तमाम चीजें जो भी था मैंने आपको बताया। अगर आपके पास अब भी कोई और क्वेरी, कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप ये बात जरूर ध्यान में रखिए, जितना भी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ सारा वीडियो देखिए, जिसमें से सबसे फर्स्ट वाला जरूर देखिएगा, मॉड्यूल वन का फर्स्ट वीडियो एंड ओवरव्यू ऑफ मॉड्यूल फर्स्ट। उसके बाद जितना भी आप वीडियो देख रहे हो उसके लिए सपोर्टिव पीडीएफ भी दिया हुआ, सब कुछ आप देख कर समझ लीजिए, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। उसके बाद भी यदि कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क अ क्वेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।